हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्नोलॉजी। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लाया हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि रैम क्या होता है, हम लोग को क्यों एक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर एक रैम को देखकर ख़रीदना चाहिए, रैम का फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रैम होता क्या है। दोस्तों, रैम एक फिजिकल हार्डवेयर होता है जो टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर में, ये रैम होता है। और दोस्तों, रैम का जैसे कि अगर हम लोग जाने फुल फॉर्म तो वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ रैम के बारे में जाने तो रैम का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन या वर्क को एट द सेम टाइम क्या करता है, वर्क करवाता है कंप्यूटर में। बहुत सारा इंफॉर्मेशन या वर्क को सेम टाइम में वर्क करवाता है और टोटल सिस्टम का परफॉर्मेशन होता है। और इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा जीबी का रैम रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा या हैंग नहीं करता है हम लोग का मोबाइल, ये इसका फंक्शन होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं रैम का यूज़ क्या होता है। दोस्तों, रैम का जो दोस्तों यूज़ होता है वो होता है कि अगर हम लोग कोई लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर में कोई चीज़ जैसे कि गाना या वीडियो देखते हैं, ये सब जो होता है स्टोर रहता है कोई सॉफ्टवेयर या ऐप में। ये जो ऐप या सॉफ्टवेयर रहता है, ये जो रहता है ये स्टोर रहता है इंटरनल मेमोरी में, या आप लोग इसको मेमोरी कार्ड में भी एसडी कार्ड में भी रख सकते हैं। बट अगर हम लोग जैसे कि गेम रखते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हैं, बट ये जो काम करेगा, प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस होगा रैम के द्वारा। तो रैम का यूज़ क्या है कि प्रोसेसिंग करवाना, ये इसीलिए ये सीपीयू के मदरबोर्ड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, कोई भी जैसे कि प्रोसेस होता है तो उसका लोडिंग जो होता है रैम पर पड़ता है। इसीलिए अगर हम लोग ज़्यादा जीबी का रैम खरीद वाला मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या होता है कि वो जो होता है हैंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जीबी का रैम रहता है डिवाइस में उतना ज़्यादा वो क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करता है और हम लोग का जो सिस्टम होता है या डिवाइस होता है वो हैंग करने से बच जाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस में पाया जाता है, तो जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर या बहुत सारा प्रिंटर भी होता है या बहुत सारा ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, रैम पाया जाता है। अब अगर हम लोग देखें कि जैसे कि मैन्युफैक्चर जो होता है रैम का, वो उसके बारे में देखें तो बहुत सारा पॉपुलर मैन्युफैक्चर होता है रैम का, जैसे कि किंगस्टॉम में होता है, पीएनवाई में होता है, क्रियूसियल में होता है, कोरसियर में होता है, ये सब मैन्युफैक्चर करता है रैम को। किंगस्टॉम, क्रियूसियल या कोरसियर या पीएनवाई, ये सब क्या करता है, रैम का मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ रैम, तो रैम का बहुत सारा टाइप है और अलग अलग नाम है। इसको हम लोग जानते हैं जैसे कि मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्टोरेज के भी नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, मेमोरी स्टिक के भी नाम से जानते हैं या रैम स्टिक के भी नाम से जानते हैं, ये हो गया टाइप। तो दोस्तों, मेन जो है मोटिव हम लोग का रैम के बारे में जानना कि रैम क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, रैम जरूरी होता है डाटा जो स्टोर रहता है वो वर्क क्विकली करे या फास्टली करे। कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन में जो डाटा रहता है या कोई सिस्टम या डिवाइस पर हम लोग काम करते हैं, वो बहुत फास्टली काम करवाने के लिए क्या करता है, हम लोग को रैम का जरूरत, ज़्यादा जीबी रैम का जरूरत होता है कंप्यूटर में। यही रैम का जो पर्पस है, यही है कि क्विकली रीड या राइट करता है एक्सेस टू और स्टोरेज डिवाइस। ओके, दैट मींस द पर्पस ऑफ रैम इज टू प्रोवाइड क्विक रीड एंड राइट एक्सेस टू स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में फास्टली क्या करता है, रीड और राइट एक्सेस कराता है स्टोरेज डिवाइस में। और रैम का यूज क्या है, लोड डाटा को लोड करना, जिससे क्या होता है,
ये क्विक होता है, जल्दी क्विक होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। और रन जो करता है हम लोग का डिवाइस में कोई वर्क जो करते हैं उसको रन कराने में बहुत ही इजी कर देता है। यही क्या होता है, रैम का वर्क होता है कि रन हम लोग का बहुत ज्यादा फास्ट ही करने लगता है। और जो रैम होता है वो हार्ड ड्राइव के साथ वर्क करता है, लेकिन डिफरेंट थिंग्स में यूज करता है। तो दोस्तों अगर हम लोग जैसे कि 1 GB का मेमोरी का रैम लेते हैं तो सेम थिंग इसमें 1 GB का हार्ड ड्राइव स्पेस भी रहता है। तो ये रैम के बारे में था। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि रैम क्या होता है। रैम मदरबोर्ड में रहता है जो कि सीपीयू में होता है, और रैम का वर्क भी आप लोग समझ गए होंगे कि रैम का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी खरीदने जाए डिवाइस, तो सबसे पहले उसमें आप लोग देख ले कि उसका रैम कितना है। आप लोग जितना ज़्यादा GB का रैम का डिवाइस लेंगे उतना प्रॉपरली आप लोग का जो वर्क है वो डिवाइस में होगा और हैंग नहीं होगा। यही रैम का बेनिफिट्स है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।